मणिपुर में छात्राओं के साथ हुई शर्मसार घटना की चिंगारी अब ताजनगरी आगरा से लेकर ग्रामीण अंचल तक सुलग उठी है। इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं सैकड़ों ग्रामीणों ने कैंडल जलाकर रोड शो के माध्यम से दोषियों को फांसी की सजा देने की प्रशासन से मांग की और मलपुरा नहर पर पहुंचकर 5 मिनट का मौन रखकर बेटियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के हर कोने में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। क्या मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या केंद्र सरकार की यह ड्यूटी नहीं है कि मणिपुर में शांति की बहाली की जाए? मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ के हालात स्थिर हैं। मणिपुर में जो भी हो रहा है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब यह आग मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है। आज ताजनगरी आगरा के कस्बा मलपुरा में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं सैकड़ों ग्रामीण ने कैंडल जलाकर रोड शो के जरिए रोष व्यक्त किया एवं 5 मिनट का मौन रखकर बेटियों को श्रद्धांजलि दी और दोषियों को फांसी की सजा देने की प्रशासन से मांग की। आज हम मलपुरा में कैंडल मार्च दिखा रहे हैं। मणिपुर की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। जो गंदी घृणित राजनीति है, ऐसी राजनीति को खत्म करने के लिए हमारे मतलब बुजुर्ग और सभी युवा दल बच्चे सब साथ में कैंडल मार्च दिखा रहे हैं। मलपुरा के अंदर अगर इस हिसाब से मणिपुर में जो घटना हुई है अगर कहीं भी होती है उसके एवज में हम आज बहुत छोटा है बहुत बड़ा निकालेंगे। सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या बात है ऐसी? सरकार छुपके बैठी हुई है, सरकार आंखें मीचे हुए है, सरकार कोई मतलब निंदा हो रही है चारों तरफ पर सरकार बाहर नहीं आ पा रही है। ठीक, आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है काई के लिए निकाला जा रहा है? ये कैंडल मार्च जो आज गांव मलपुरा में युवा बुजुर्गों की तरफ से जो निकाला गया है, जो मणिपुर में जो गंदी हरकतें हुई हैं, जो हमारी बहन बेटियों को निर्वस करके वहाँ घुमाया जा रहा है, सिर काट काट के उनके दरबच्चों पे लटकाया जा रहा है, कई वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री संसद भवन में नहीं घुस रहे हैं, उनको बोलने से विपक्ष के बुला रहे हैं कि प्रधानमंत्री संसद भवन में आए, पर अभी तक प्रधानमंत्री ना तो संसद भवन में आए और ना अभी तक प्रधानमंत्री मणिपुर में गए। इस चक्कर में जो आज गांव मलपुरा में ये कैंडल मार्च सभी युवा साथी बुजुर्गों की तरफ से निकाला गया है। अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो क्या अगला कदम होगा? अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो अगला कदम ये तो 100-200 लोग हैं, अगली बार हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन करेंगे और बुलंद करेंगे आवाज को मणिपुर की को। आपको बता दें जिस तरह का वीडियो सामने आया वह बहुत ही भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण था। यह वीडियो दर्शाता है कि समाज कितना नग्न हो चुका है, समाज की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। यह घटना यही दर्शाती है, भीड़ के सामने ऐसा हो रहा है। एक समाज के तौर पर हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरा मानना है कि एन वीरेंद्र सिंह की सरकार को पावर में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आगरा देहात से प्रहत दर्पण न्यूज के लिए कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।